हाय, दिस इज किंग खान सरताज, यूनिवर्स बॉस। कैसे हो भाई? मज़े में। तो अभी हम हैं कोंगवटन से क्रॉस, यहाँ पे जजमेरक का रोड निकलता है, तो कितना पावरफुल रोड है। तो सीधे हम जाएंगे लेफ्टी के पास। लेफ्टी इस वक्त बैठे हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टी, कैसा फील हो रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया यार। आप कहाँ पे हो अभी लेफ्टी? हम शरणबल के करीब है यार। अच्छा लेफ्टी, अगर आपको लगेगा कितने दिन आप अभी भी सेटिस्फाई हो यहाँ पे बैठने में? इधर तो कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 दिन चाहिए। लेफ्टी, आप रन मशीन हो, इतनी बड़ी टैंक हो रनों में, आप ज़्यादा मेरी तरफ चलते क्यों नहीं हो? ये क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्योंकि देखिए मैं ये चीज़ें जो है ना, मैं पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे घूमने का जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन तब भी हम कल जो कंसरना गए उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई है। अच्छा अच्छा, इनमें क्या मैसेज है आपको लोगों को जो कंसरना जाने वाले हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मेरी यही मैसेज है उन लोगों के लिए जो कौसरनाग जाना चाहते हैं, उनको यानी अच्छे से जाना चाहिए, वहाँ खाना साथ लेके, और एक ही बार नहीं जा सकते। उनको चाहिए कि पहले वो महीनांग में रुके, उधर अच्छे से एक नाइट दे दे, उसके बाद आराम से वो कौसरनाग तक जा सकते हैं। सेम आंसर दिया है लेफ्टी ने मेरे साथ जो जुड़े हैं अभी कोंगवटन के करीब चरणबल में। तो लेफ्टी ने बढ़िया जवाब दिया। मैं भी यही कहता हूँ कि जिसको भी कोंसरनाग ट्रिप करनी है उसको पहले कोंगवटन में एक नाइट में लगाना है, उसके बाद महीनाग में एक नाइट देनी है। क्योंकि हमने एक डिसीजन गलत लिया, हम सुबह 8 बजे निकले तो ऐसा थके इस वक्त 3 बजे तोड़। तो आई थिंक दिस इज डायरेक्टली रॉन्ग डिसीजन। तो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट टाइम वी विल कम सून, और दिस इज द सीनरी। रियली कश्मीर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, एंड पर्टिकुलरली दिस वैली इज टोटली आउटस्टैंडिंग।